नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां है हमारे एग्जाम के लिए, दिस विल गोइंग टू हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन। फर्स्ट हम मिशन देखने वाले हैं। इस मिशन का नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ये मिशन भारत ने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है और मेन पर्पस इस मिशन का है, जो भी स्वच्छ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी में इनोवेशन करने के लिए भारत का अपना मिशन्स है। तो अगर मिशन ये जो लॉन्च किया था, ये नेट जीरो समिट जो कंक्लूड हुई थी उसमें ये इस मिशन को लॉन्च किया था। अगर हम सभी लोग जानते हैं, इस मिशन अगर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में है तो उस ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी एक्सपर्ट लोग होंगे उनकी विशेषज्ञता, एट द सेम टाइम बाजार की अंतर्दृष्टि से हम मार्केट इनसाइड भी कहते थे, तो डेफिनेटली जो लोग क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है उनके लिए मे बी एक इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी को तैयार करना, ये भी एक मिशन का मेन हम कहेंगे कि टारगेट भी है। और अगर क्लीन एनर्जी की बात आती है तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द ग्लोबल मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव। ग्लोबल मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव जो 2015 में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, उसमें इंडिया में लॉन्च किया था मिशन इनोवेशन ये 2.0, जिसका आज सेकेंड पहल या सेकेंड स्टेज वर्कआउट हो रही है। तो मिशन इनोवेशन 2.0 ये भी स्वच्छ एनर्जी या क्लीन एनर्जी को एक किफायतशील बनाना, एट द सेम टाइम सभी लोग इन्वेस्टर को अट्रैक्शन करना और ये एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल होना, ये मिशन इनोवेशन 2.0 का मेन पर्पज है। और ये मिशन इनोवेशन 2.0 में एक यूरोपियन कमीशन के साथ अन्य 22 देश भी है, और सबसे हमारे लिए जो पेरिस समझौता हो, जिसे हम कहते हैं कि यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 को, इसमें भारत ने इसे लॉन्च किया था, जिसे आज हम मिशन इनोवेशन 2.0 कहते हैं। तो इस पहली में हमने ये देखा कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया एक नवाचार प्रदान करने के लिए ये हमने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन आपने ये भी इसमें देखा कि 2015 में जो यूएन क्लाइमेट चेंज का, या उसे हम पेरिस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उसमें इंडिया ने मिशन इनोवेशन को लॉन्च किया था, और मिशन इनोवेशन में यूरोपियन आयोग के साथ अन्य 22 देश भी शामिल है। लेकिन इंडिया का ये जो नया मिशन है, इट इज स्पेशली फॉर द क्लीन टेक एक्सचेंज, फॉर द क्लीन एनर्जी इनोवेशन, इसके लिए ये पॉइंट हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 जून वर्ल्ड में एक विश्व महासागर दिवस की तौर पर हमें मनाते हैं। तो अगर वर्ल्ड ओशन डेज आता है तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि एक कब फर्स्ट बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम 1992 में ये प्रस्तावित किया गया था, ये प्रोविजन किया गया था कि डेफिनेटली इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दी 8 जून एज अ ओशन डे। 8 जून के बारे में ऐसा कोई तय नहीं किया था 1992 में, लेकिन 8 जून वर्ल्ड ओशन डे या विश्व महासागर दिवस की तरह तय किया जाएगा। 2008 में जो यूनाइटेड नेशन की महासभा हुई थी उसमें 8 जून को हमने चुना था। तो अगर कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां या मानवीय कार्य होते हैं या ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्शंस होती है, उनका हमारे ओशन पे क्या प्रभाव होता है,
इनके बारे में गवर्नमेंट या अन्य संस्थाओं होती है उनको जानकारी देना या उनको हम अवेयरनेस क्रिएट करना इस पर डे का सेलिब्रेशन का मेन पर्पस होता है। हमारे एग्जाम के लिए 2021 में जो विश्व महासागर दिवस हमने मनाया उसका प्रेरणा या हम दीम क्या था ये भी देखना इम्पोर्टेंस रहेगा। तो 2021 के लिए विश्व महासागर दिवस का दीम था द ओशन लाइफ एंड द लाइवलीहुड है। द ओशन लाइफ एंड द लाइवलीहुड है ये भी हम जानते हैं। और एक स्टैटिक पॉइंट ये भी होगा जो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन 1973 ने हमने उसको गठन किया था, उसका संगठन किया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी जहाजों से जो प्रदूषण होता है या जहाजों से जो भी वायु प्रदूषण होता है या समुद्र की कचरा के बारे में जो भी समस्या आती है उसको समाधान के लिए ये इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। पोल्यूशन फ्रॉम द सी या एयर पोल्यूशन फ्रॉम द सी और गार्बेज इन ओशन को इस समस्या को एड्रेस करने के लिए या उनको एक समाधान प्राप्त करने के लिए ये इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन 1973 में जो स्थापित किया था वो काम करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। तो जम्मू कश्मीर में जो NHPC है जिसे हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहते हैं, तो NHPC ने जो जॉइंट वेंचर जिसे हम संयुक्त उद्यम कहते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उनके साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं उनकी स्थापना की है। तो ये उनकी स्थापना इसलिए की है जो रतले हमारे लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के जो रनवे है उस पर स्थापित किया गया है। उस 850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना को हम कहेंगे कि इस जो संयुक्त उद्यम स्थापित किया हुआ है या जो जॉइंट वेंचर है उसकी तरह उनको कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये 850 रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन उसकी तहत बनाई जाएगी और डेफिनेटली ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो 850 का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको एक कंप्लीट करने में काम करेंगे। तो हमारे लिए दो टर्म्स इंपॉर्टेंस होगी, NHPC का लॉन्ग फॉर्म जिसे हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहते हैं, उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया जम्मू कश्मीर स्टेट डेवलपमेंट पावर कॉरपोरेशन, और ये संयुक्त वेंचर जो कंपनी स्थापन करने वाला है उस कंपनी का नाम है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अगर चेनाब रिवर की बात आती है तो एटलीस्ट वी शुड बी अंडरस्टैंड कि इंडस रिवर सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या जिसे हम सहायक कहते हैं ये चेनाब रिवर आती है और उसका ओरिजिन जो होता है हिमाचल प्रदेश की लाहौल या स्पीत वैली में होता है। ये लाहौल और स्पीत वैली आपको या हमें ये मालूम होनी चाहिए कि अपर जो हिमालय है ये अपर हिमालय में स्थित होती है और जो दो नदी का संगम हेड वाटर का संगम या मिलन बन के चेनाब रिवर बनती है उसे हम चंद्रा एंड बागा कहते हैं। MCU के साथ कोई पॉइंट हमें स्टैटिक पॉइंट भी मालूम होने चाहिए, अगर चेनाब रिवर के बारे में आता है तो चेनाब रिवर कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये ऊपरी हिमालय या अपर हिमालय के लाहौल और स्पीत जिले में उसका उगम होता है या उत्पन्न होती है। एट द सेम टाइम चंद्र और भागा ये दो हेड वाटर है इनके मिलन से ये चेनाब रिवर बनती है और ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है या उसे हम सहायक नदी भी कहते हैं। लेकिन हमें MCQ ये भी हो सकता है कि ये पिक्चर्स में क्यों था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सदर्न इंडिया में जो नॉलेज इकोनॉमिक मिशन है। ये नॉलेज इकोनॉमिक मिशन केरल सरकार ने जो बजट जून 2021 में सादर किया था उसमें उसका जिक्र किया था। तो
केरल सरकार जो भी राज्य में नॉलेजेबल है, जिसे हम नॉलेज वर्कर्स कहते हैं, ज्ञान कार्यकर्ता कहते हैं, उन ज्ञान कार्यकर्ताओं को केरल सरकार जो भी मदद करनी चाहती है, उन मदद के लिए एक यूनिफाइड या सिंगल वे हो, इसलिए ये इकोनॉमिक या हम उसे नॉलेज इकोनॉमिक मिशन को लॉन्च किया हुआ, और इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान भी केरल सरकार ने की है। तो इस बजट की तरह या नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की तरह ऑलमोस्ट केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल और ये नॉलेज जो इकोनॉमिक मिशन है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से नॉलेज वर्कर को हेल्प की जाएगी सिंगल प्रोग्राम में, ये रिपोर्ट ये जुलाई 15 को केरल सरकार को प्रदान करेंगे। तो कितने रुपीस का उन्होंने एलोकेशंस किया था या उनको बढ़ावा दिया था, थे ऑलमोस्ट 200 रुपीस से लेके 300 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया था। नेक्स्ट आता है इकोसॉक, जो यूएन यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये पिक्चर में क्यों आया था, तो भारत नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 2022, 2023 और 2024 तक, जो हमारे लिए एशिया पैसिफिक रीजन है जो आवंटित किया जाता है हर देश के लिए यूएन का, ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है भारत में, उसे 3 साल के लिए चुना गया है। तो दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भारत के साथ हमारे एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में से कजाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और ओमान भी है, उनको भी ये इकोसॉक को 3 ईयर के लिए उनको चुन गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो 6th महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण अंग है, उनमें से एक इकोसॉक भी आती है, जिस तरह से हम यूएन जनरल असेंबली देखते हैं, महासभा देखते हैं। तो परिषदों में ये जो सीट दिए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं, ये जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या भौगोलिक प्रतिनिधित्व के तौर पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट ये पार्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता था, 1945 ने जो यूएन चार्टर को प्रस्तुत किया था, उसी द्वारा ये इकोसॉक की स्थापना की थी, और आज भी उसमें 54 सदस्य शामिल हैं। उसके बावजूद भी एज इनका अगर हम लिटरल मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं इकोसॉक, तो जो इकोनॉमिकल एट द सेम टाइम्स हम कहेंगे सोशल और जो स्वास्थ्य समस्या है, उस स्वास्थ्य समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना और उनके लिए कुछ समाधान को शोधित करना, ये इकोसॉक का एक मेन फंक्शंस होता है। तो ये इकोसॉक भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है कि जनरल जो भी सेक्रेटरीज होते हैं उनको चाय करने में इनका रोल होता है। तो पिक्चर्स में इकोसॉक क्यों था, भारत नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इस सदस्य के रूप में उनमें चुना गया है। नेक्स्ट आता है कि इस मालदीव राष्ट्र के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका नाम जो अब्दुल्ला शाहिद है, अब्दुल्ला शाहिद 76th हमारे लिए संयुक्त संस्था का, संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा ऑर्गेनाइज करने वाला है, उनके वो अध्यक्ष हो गए। ये है हमारे लिए मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, और ये अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र का 76th जो सत्र है, सेशन है, उसके लिए ये अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 193 इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है, 193 सदस्यों में उनके लिए जो वोटिंग मिली थी वो 143 वोटिंग मिली थी, और ये संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष ये भी जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों या उनका जो ग्रुप है, जिस तरह से एशिया पैसिफिक में इस टाइम था, तो सभी राष्ट्रों में उनके लिए वोटिंग किया था। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम मालदीव के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अध्यक्ष पद को संभाल करेंगे, और संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र
का ये जो महासभा होती है ये उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है, और संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो भी सुरक्षा काउंसिल के जो स्थायी सदस्य होते हैं, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति करना के साथ जो भी संयुक्त राष्ट्र की महासचिव, हम जिसे कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं, उनकी नियुक्ति करने में या उनको वोटिंग करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंस काम करती है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र की महासभा कहते हैं, तो इस साल में 76th सत्र है, और 76th सत्र के लिए हमारे लिए अब्दुल्ला शाहिद उसके अध्यक्ष रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे। दिस पॉइंट वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने CBSE, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, इस बोर्ड के साथ जो समझौता किया है, जो कोलैबोरेशन किया है, ये कोडिंग के बारे में और डेटा साइंस, इस दो सब्जेक्ट को NCERT में इंक्लूड करने के बारे में होता है। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 कक्षा के लिए कोडिंग को इंक्लूड किया जाएगा, और 8 to 12 कक्षा के लिए डेटा साइंस को करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं, जिसे हम NEP कहते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म है, नेशनल या नेशनल नहीं है, उसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तरह अब इस तरह के कोर्सेस इम्पार्ट करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्किल इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं, दैट इज वन थिंग। तो इसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तहत ये CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, जिनके साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है कोडिंग के लिए और डेटा साइंस के लिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट में ये बात आती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। दिस इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एनीबडी कैन एक्सेस इट, एनीबडी कैन यूज इट विदाउट द लाइसेंस और विदाउट पेइंग द फी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड है जो स्टूडेंट के लिए लर्निंग करना, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, तो एक माइक्रोसॉफ्ट मेक मेड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। और आज की इस कड़ी में हमारे लिए लास्ट पॉइंट जो रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने जो आइडिया लिया, जिसे हम मॉडल सिटीजन चार्ट फॉर पंचायत जो रिलीज किया हुआ, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने मॉडल चार्टर फॉर दी पंचायत के लिए डिक्लेरेशन किया है, नोटिफिकेशन किया है, या उनको हमने कहेंगे घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र के तहत ऑलमोस्ट जो 29 एरियाज है, 29 क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में एक ग्रामीण रीजन में सार्वजनिक सेवा में एक पारदर्शी या प्रभावी वितरण करना, जो भी सेवा आती है पंचायत राज के अंदर, ऑलमोस्ट 29 सेवा आती है, तो ये सेवाएं ट्रांसपेरेंट हो, उसका वितरण अच्छी तरह से हो, उसका वितरण एक प्रभावी हो, और जो भी डेट दी जाती है उसके तरह उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूरल एरिया को बढ़ावा देने के लिए ये पंचायत राज डिक्लेरेशंस या मॉडल चार्टर इम्पोर्टेंस काम करेगा। डेफिनेटली इस मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस सिटीजन चार्टर का, जो भी सेवाएं हैं इस समयबद्ध तरीके से, जो भी उनके टारगेट ग्रुप है उन्हें मिलनी चाहिए, उनकी जो शिकायत होते हैं पंचायत राज के बारे में उनको निवारण करना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये भी इस मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत राज का मेन उद्देश्य है। और डेफिनेटली ये मॉडल पंचायत राज सिटीजन चार्टर्स होता है, तो मोस्टली ये 15 अगस्त 2020 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उसके बारे में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस कड़ी में ऑलमोस्ट मोर देन द 8 पॉइंट्स देखे। मैं फिर से उसको एक सारांश रूप में आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमने फर्स्ट देखा
इंडिया ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया जो क्लीन एनर्जी के लिए था। नेक्स्ट हमने 8 जून विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल उसका जो थीम था ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड था। नेक्स्ट हमने NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1850 का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में जो जॉइंट वेंचर की स्थापना की उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट एक हमने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन देखा, केरल सरकार ने लॉन्च किया हुआ है और केरल सरकार का जो भी निकाय है जिसे हम केरल डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल कहते हैं, इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट बिफोर द 15 जुलाई। हमने देखा यूएन की जो प्रमुख अंग है उसमें अंग में आता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, उसके लिए भारत 3 साल के लिए चुना गया, ये भी देखा। और मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्ट्री अब्दुल्ला शहीद 76 जो यूएन जनरल असेंबली है उसको संबोधित करेंगे या उसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ये भी देखा। और हमने ये पॉइंट भी देखा CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, जो समझौता किया है, ये मोस्टली कोडिंग और डेटा साइंस के मामले में किया है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है इसके लिए हमने नाम भी दिया माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड, ये नाम है। और लास्ट हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने 29 जो सेवा है उन सेवाओं के लिए एक मॉडल सिटीजन घोषणा पत्र या चार्टर को एक घोषणा पत्र जारी किया हुआ है जिसे हम आदर्श नागरिक घोषणा पत्र ही कहते हैं, कि 15 अगस्त 2020 को ये सभी 29 सेवाओं के एक ट्रांसपेरेंट या इफिशियंट बनाने में होपफुली ये काम कर सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार दो बार अगर आप इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनते हो तो बाय द ऑडियो लर्निंग डेफिनेटली कुछ पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, और अगर दो बार अगर जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म्स आते हैं वहाँ मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप नोटबुक में उसको इंक्लूड कर लेते हो डेफिनेटली आपको सभी एग्जाम में ये काम डेफिनेटली हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.